हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिसमस स्टॉकिंग। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही ईजी है। इसके लिए मैं यहाँ पे ये रेड वाला कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और इसको हमने इस तरीके से दो परत में कर लिया है ताकि हम इसे आसानी से बना सकें। और इसके बाद फिर में हम चौक लेंगे और चौक से जो हमने दो परत किया है कपड़ा, और वहाँ से और यहाँ तक इसका जो स्टॉकिंग है उसका निशान बना लेंगे ताकि हम इसको अच्छे से कट कर सकें। फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आप कपड़े की जगह कागज़ से भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ और इसको हमें इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेना है, फिर इसके बाद हमको इसे कट कर लेना है। तो चलिए हम इसे मार्क कर लेते हैं। तो ये है चौक और इसे हम यहाँ पे इसको सबसे पहले मार्क करेंगे। इस तरीके से हमें इसको मार्क कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं एक ही हाथ से मोबाइल पकड़े हुए और दूसरे से बना रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि हमें किस तरीके से मार्क करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ये मार्क हो गया है और अब हम इसको क्या करना है, कट कर लेना है। हमें नीचे की साइड नहीं कट करना क्योंकि वो ओपन है, और जो हमने डबल किया है परत इस साइड में वो भी हमें नहीं कट करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा मार्क हो गया है और इसके साथ ही हमें एक वाइट कपड़ा भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये वाइट कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और इसकी हमें जो पट्टी है इस स्टॉकिंग में लगानी है। तो हम इस पट्टी को भी डबल, जो कपड़ा है इसको डबल काटेंगे। डबल मतलब कपड़े को पलट के फिर उतना काटेंगे इसकी साइज़ का। तो देखिए, हमने इस तरीके से कपड़ा इतने ऊपर से नाप लिया उसके बराबर, फिर इसको हमने डबल कर दिया है ये देखिए इस तरीके से, और हमने उसी के साइज़ का काटा है। और इसको हमें इस तरीके से डबल करके मोज़े में मतलब इस स्टॉकिंग में सिलना है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हमारा जो है वो बचा हुआ है इसको कट करना। तो चलिए कैंची से हम इसको कट कर लेते हैं और हमारा ये इतना कट हो गया है। और देखिए, मैंने नीचे साइड नहीं कट की है क्योंकि वो ऑलरेडी कट ही थी, और ये जो बैक साइड है जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है वो भी साइड नहीं कट किया क्योंकि अगर वहाँ से कट कर देते तो वो बेकार हो जाता। अब हमें क्या करना है, सिंपल से इसको स्टिच करना है। इसे आप सुई से भी कर सकते हो या मशीन से भी कर सकते हो, तो मैं इसे मशीन से स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले हमने ये जो वाइट वाला जिसको हमने कपड़े को मोड़ रखा है वाइट कपड़ा, उसको हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इस कपड़े को ओपन करके फिर इसको डबल करके इस तरीके से देखिए, और इसको हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे ताकि जो हमारा क्रिसमस स्टॉकिंग है वो अच्छे से बन सके। तो आइए इसको चलते हैं मशीन की ओर और इसको इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो आइए इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ इस तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको जो है वो स्टिच कर लिया है और अब हमको क्या करना है, अपने जो स्टॉक से है ये क्रिसमस स्टॉकिंग है इसको स्टिच करना है। तो देखिए, हमने इसको भी यहाँ पे स्टिच कर लिया है और अभी हमारा बनके तैयार हो गया है। देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया है जो वाइट वाला था, और देखिए हमारा क्रिसमस स्टॉकिंग बन के तैयार हो गया है। जुराब जो है वो बन के, क्रिसमस जुराब बन के तैयार हो गया। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और कितना ईजी है, और बच्चे तो जब देखेंगे ना तो बहुत ही खुश होने वाले हैं। उनको अपनी इसमें विश लिस्ट डालनी होती है। ये स्टॉकिंग बनके तैयार हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से छोटी सी ये बना लेनी है अटकाने के लिए। तो मैंने उसी रेड कपड़े से जो है उसके ये तन्नीज भी बना ली है और हम इसको भी स्टिच कर देंगे। तो मैं इसको जो है उसे ही से स्टिच करूँगी। और अब हमारा तैयार हो गया है क्रिसमस स्टॉकिंग। अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, घर पर जब अपने आप कोई चीज़ बनाओ तो वो हमेशा अच्छी लगती है। फ्रेंड्स देखिएगा, ये है इसका फाइनल लुक। अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इस तरीके से देखिए, इसको उठाइए और इसमें अपनी विश डालिए और फिर इसको टांग दीजिए, और क्रिसमस के दिन रात में सेंटा आएंगे और बच्चों के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट लाएंगे। इसमें से विश देखेंगे और प्यारे प्यारे गिफ्ट लाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते, बाय बाय। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस के हार्दिक शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस।